विश्व धरोहर फूलों की घाटी आज से पर्यटकों के लिए बंद हो गई है। इस साल 19,436 देशी विदेशी पर्यटकों ने घाटी का दीदार किया। पार्क प्रशासन को 39,40,000 रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ। फूलों की घाटी हर साल 31 अक्टूबर को देशी विदेशी पर्यटकों के लिए बंद हो जाती है और 1 जून को खुलती है। पिछले साल के मुकाबले इस साल घाटी में पर्यटकों की संख्या में इजाफा हुआ है। चमोली से संदीप कुमार की रिपोर्ट।